मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज ऑफ वेदा एंड सीजन। आंसर, व्हाई आर मॉर्निंग एंड इवनिंग द कूलर पार्ट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा, इवनिंग एंड मॉर्निंग आर कूलर बिकॉज द रेज ऑफ द सन आर स्लेंटिंग। सुबह और मॉर्निंग में, मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होता है, सूरज की रेज जो होता है, ये सूरज का रेज जो होता है स्लेंटिंग आता है और यहाँ पर भी देखो सब तिरछा आता है, इसलिए जो है मॉर्निंग में और इवनिंग में जो है और ठंडा होता है, मॉर्निंग और इवनिंग ठंडा होता है। और नून में क्या होता है, सिर के ठीक ऊपर में सन रहता है, इसीलिए जो है यहाँ पर जो नून का टाइम जो है गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर टू, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर देख लो, हो जाएगा हॉट, रेनी, विंडी एंड क्लाउडी आर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर। ये जो है डिफरेंट टाइप का वेदर क्या हो गया, देखो ये हो गया, यह विंडी हो गया, उसके बाद में यह क्या हो गया, एक क्लाउडी हो गया, और इसके बाद में यह रेनी सीजन हो गया, फिर जो है यह जो है हॉट सीजन, समर सीजन हो गया, वेदर हो गया, उसके बाद में यह जो है विंटर, यह ठंडा का मौसम हो गया, और यह जो है रेनी सीजन हो गया। तो इस तरह से जो है कितने चार तरह के हो गए वेदर हो गए, हॉट, रेनी, विंडी एंड क्लाउडी। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर आंसर देखो क्वेश्चन नंबर थ्री का, ए स्ट्रॉन्ग कॉज ग्रेट डैमेज, इट कैन डैमेज व्हीकल, बिल्डिंग, ब्रिज एंड अदर आउटसाइड ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रॉन्ग क्या करता है कि जो चीज़ बाहर होता है, जैसे व्हीकल हो गया, बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, इन सबको जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। अब क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज लू, लू क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर क्या हो गया, व्हाट इज लू। तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर देखो, हॉट विंड इज कॉल्ड लू, हॉट विंड को हम लोग लू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ डज वेदर अफेक्ट आवर डे टू डे लाइफ। आंसर देखो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर, वेदर अफेक्ट ह्यूमन लाइफ, लू कीपिंग पीपल इनडोर, डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू आर स्प्रेड ड्यूरिंग द रेन्स, पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू ट्रेवल। तो वेदर जो है बुरा तरह से जो है हम लोगों को प्रभावित करता है, लू के कारण घर लोग जो है दिन में घर के अंदर रहते हैं, और मलेरिया डेंगू जो है बस रेनी सीजन में फैलते हैं, और बाहर जाने में लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, व्हाई आर नाइट वार्मर व्हेन इट इज क्लाउडी, क्लाउडी में नाइट क्यों गर्म होता है। तो आंसर देखो, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्लाउडी नाइट आर वार्मर,
गर्म होता है क्योंकि बिकॉज द क्लाउड्स प्रिवेंट द अर्थ्स हीट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। क्लाउड के कारण क्या होता है कि पृथ्वी का जो है टेम्परेचर होता है पृथ्वी में भी रह जाते हैं, यह बाहर नहीं निकल पाती बाहर। इसी कारण क्या होता है कि रात में जब समय क्लाउडी होता है तो रात में गर्मी हम लोगों को गर्म महसूस करते हैं। अब आंसर नंबर 7 देखो, नेम द मेन सीजन ऑफ द ईयर इन इंडिया, व्हाट राइट टू लाइंस ऑन ईच। फर्स्ट देखो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, समर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। समर जो है ईयर का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स एंड ड्रिंक ए लॉट ऑफ लिक्विड। हम लोग जो है कॉटन क्लॉथ पहनते हैं और ज़्यादा पानी पीते हैं। विंटर, तो विंटर में क्या होता है, विंटर इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। विंटर जो है कोल्डेस्ट पार्ट होता है ईयर का। वी वियर वूलन क्लॉथ एंड ड्रिंक हॉट थिंग्स, और गर्म चीज़ हम लोग पीते हैं। मॉनसून में क्या होता है, मॉनसून ब्रिंग्स ए लॉट ऑफ रेन। वी वियर रेन कोट एंड यूज अम्ब्रेला। हम लोग जो है क्या करते हैं मॉनसून में, मॉनसून में रेनकोट पहनते हैं और क्या करते हैं, और अम्ब्रेला का यूज करते हैं। तो यह जो है सीजन जो है हम लोगों ने पढ़ा पाला। हम लोगों ने सीजन के क्या कौन सा सीजन पढ़ा, समर सीजन पढ़े हम लोग अभी। समर सीजन में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर कॉटन क्लॉथ पहने हुए हैं और कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीना पसंद करते हैं। ये कौन सा मौसम है, समर सीजन में। उसके बाद में क्या होता है, रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में क्या होता है कि हम लोग जो है रेनकोट पहनते हैं और अम्ब्रेला यूज करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, विंटर सीजन। विंटर सीजन में देखो क्या होता है, विंटर सीजन में हम लोग जो है हीटर से रूम को गर्म करते हैं, वूलन क्लॉथ पहनते हैं और फिर घर के अंदर हम लोग प्रायः रहते हैं। रात में घर के अंदर में हम लोग रहते हैं। दिन हो गया विंटर सीजन में। मॉनसून तो मस्ती का समय होता है, उस समय में क्या होता, और मॉनसून में क्या होता है, रेन होता है। हम लोग मस्ती मनाते हैं, हम लोग जो है स्नान रेन में स्नान करते हैं रेन वाटर से, और पेपर बोट बना करके जहाँ तहाँ जो गड्ढा होता है या वर्षा का पानी बहते हुए आता है उसमें हम लोग छोड़ते हैं। तो यह मॉनसून हो गया, ये हो गया तुम्हारा विंटर सीजन हो गया। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पर समर सीजन को देखा ठंडा पीते हुए, और रेनी सीजन में हम लोगों ने क्या देखा, रेन कोट पहने हुए हैं, वो हम लोग अम्ब्रेला का यूज किया करते हैं।